ये गाड़ी है महिंद्रा बलेरो पिकअप सीआरडी इंजन, और इस सीआरडी इंजन को हमने M2DI टर्बो इंजन में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख पा रहे हैं ये चेक इंजन लाइट, ये माल फंक्शन लाइट, यहाँ हमारी चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है क्योंकि इसका हमने जो है इमोबिलाइजर हटा दिया है इससे, और इस इंजन को हमने M2DI टर्बो इंजन में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के लिए और तो सब हमारा प्रोसीजर सिंपल हो जाता है, लेकिन दिक्कत हमारे लिए आती है इसके क्लस्टर मीटर को, ये जो स्पीड मीटर है इसे शुरू करने में। तो इस क्लस्टर स्पीड मीटर को दोस्तों हमें बाईपास करना होता है, क्योंकि जो जब हम सादा करते हैं इसके लिए CRD से M2DI में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी जो समस्या आती है वो इस स्पीड मीटर की आती है, क्योंकि स्पीड मीटर हमारा चलना बंद कर देता है, ECU के सभी सेंसर हट जाते हैं। अब इससे हम दोस्तों इस स्पीड मीटर के लिए बाईपास करने वाले हैं। ये हमारी फ्यूल पंप रिले है और इसे हम हटा देते हैं। वहीं ये हमारा ECU की रिले है हमारी, इसे भी हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, इसे भी हम हटा देंगे क्योंकि इसका भी अब इस गाड़ी में कोई रोल नहीं है। वहीं ये हमारा ECU है, इस ECU को भी हम हटा देते हैं। अब दोस्तों इस ECU को भी हमने यहाँ से हटा दिया, इसका मेन फंक्शन जो इसके रहते हैं वो सब हट गए हैं, बस स्पीड मीटर से इसका कनेक्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इनपुट आता है और यही ECU हमारा आउटपुट क्लस्टर मीटर को निकाल के देता है, जिसके द्वारा हमारा क्लस्टर मीटर में जो स्पीड मीटर है उसकी सुई उठती है। तो इसका भी रोल हमारा ख़त्म है। अब इसके जो कनेक्शन है स्पीड मीटर सेंसर के, वो हम बाईपास कर देंगे, बाईपास के द्वारा हमारा क्लस्टर मीटर पर करंट पहुँचेगा। और इसके हमने फ्यूल पंप रिले, ECU रिले, ECU ग्राउंड वायर और ECU सबको हटा दिया है। और उसके बाद में अब करते हैं इग्निशन ऑन। आप देख पा रहे हैं इग्निशन ऑन करा, हमारी इंजन लाइट, माल फंक्शन लाइट और डीजल फिल्टर की लाइट, ये लाइटें मीटर में आना बंद हो गई। यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है, लेकिन पहले क्या होता था जब हम इग्निशन ऑन करते हैं, हमारी यहाँ पर जो स्पीड मीटर की सुई है यह वाइब्रेशन करती थी, अब ये वाइब्रेशन करना बंद कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट नहीं आने की वजह से यहाँ इसने इसकी जो मोटर होती है वो काम करना उसने बंद कर दिया है। स्पीड मीटर की वायरिंग को बाईपास करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले इस ECU के जो कपलर है इसे काटना होगा। तो दोस्तों इस आरी के ब्लेड की मदद से हम इसे काटते हैं। दोस्तों हमारी वायरिंग लगभग कट ही चुकी है, आप देख पा रहे हैं हमारा ये ECU का कपलर है जिसमें हमारा ECU लगा रहता है, और इसकी हमने सभी तारों को काट दिया है, क्योंकि यहीं से पिनों को हमारे लिए बाईपास करना होगा तारों के लिए। दोस्तों इसमें ही हमारी स्पीड मीटर सेंसर की तारें हैं, और इसी गुच्छे में हमारी क्लस्टर मीटर की तारें हैं, जिन्हें दोस्तों हमारे लिए बाईपास करना होगा। और ये ECU रिले और इसके फ्यूज बॉक्स के ये सॉकेट को भी काटना होगा। तो सिंपली दोस्तों इसे भी हम काट देते हैं। तो सेकेंडरी ECU फ्यूज बॉक्स और ECU सप्लाई रिले भी हमारी फाइनली कट ही चुकी है। आप देख पा रहे हैं हमारा सेकेंडरी ECU फ्यूज बॉक्स और ECU रिले का भी सॉकेट कट चुका है। अब तीसरा दोस्तों आता है फ्यूल पंप रिले। फ्यूल पंप रिले के भी सॉकेट को हम काट लेते हैं। फ्यूल पंप रिले का भी सॉकेट हट चुका है गाड़ी से। अब दोस्तों केवल हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ तारों को बाईपास करना बचा है। बाईपास करने के लिए हमें तारों को निकालना होगा स्लीप के अंदर से। हमारी स्लीप वायरिंग से अलग हो चुकी है, और ये हमारी जो स्लीप के अंदर तारें हैं ये टेप के द्वारा लगी हुई हैं। तो अब हम इस टेप को हटाते हैं, और हमारा टेप भी लगभग हट ही चुका है। ये हमारा टेप भी हट गया, और ये आप देख पा रहे हैं इन्हीं तारों के अंदर बीच में स्पीड मीटर सेंसर की वायर है, और क्लस्टर मीटर में लगे स्पीड मीटर की वायर है। दोस्तों हम स्पीड मीटर सेंसर और क्लस्टर मीटर की वायरों को अलग करके उन्हें बाईपास कर देंगे। दोस्तों आधा हमारा वायरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद अब हमारे लिए इस क्लस्टर मीटर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि क्लस्टर मीटर की तारों से ही स्पीड मीटर की तारों का संपर्क रहता है। लेकिन पहले जो था हमारा ECU के थ्रू था, अब जो हम करने जा रहे हैं वो बाईपास तरीके से करने जा रहे हैं,
इसके लिए हमें क्लस्टर मीटर को खोलना पड़ेगा। क्लस्टर मीटर को हम पूरी तरीके से खोल चुके हैं, अब इसे निकालेंगे बाहर। ये हमारा लास्ट पेच है, इसे भी हमने, तो फाइनली हमारा मीटर खुल गया है और खुलने के बाद इसे हमने बाहर निकाल लिया है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्लस्टर मीटर है जो महिंद्रा बलेरो पिकअप CRD इंजन का है, कंटेड। ये हमारी इसकी तारें हैं स्पीड मीटर सेंसर की, इन तारों को हमारे लिए बाईपास करना है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं तारों को बाईपास करना। तो दोस्तों हमने मल्टीमीटर की मदद से वायरिंग को हमने फाइनली बाईपास कर लिया है। ये हमने स्पीड मीटर की वायरिंग और क्लस्टर मीटर की वायरिंग को बाईपास कर लिया है, और बाईपास करने के बाद अभी इसे डिस्पोजल तरीके से बाईपास कर लिया। उसके बाद इस पूरी वायरिंग को टेप करना है। अब हम आपके लिए चेक कराते हैं, ये हमारी पॉजिटिव वायर हो गई, नेगेटिव वायर हो गई, ये क्लस्टर मीटर की वायर हो गई, यहाँ पर ये क्लस्टर मीटर की वायरें हैं, इन्हें हमने बाईपास कर लिया है। अब आपको चेक कराते हैं, ये हमारा स्पीड मीटर सेंसर का सॉकेट है, इस सॉकेट में हमें स्पीड मीटर सेंसर लगाना है। ये हमारा जो है क्लस्टर मीटर है, यहाँ इग्निशन ऑन है इसमें। अब हम आपको चेक कराएंगे कि हमारा क्लस्टर मीटर सही काम कर रहा है या नहीं। हम स्पीड मीटर सेंसर को इसके सॉकेट में लगाते हैं, ये हमारा सॉकेट में लग चुका है। अब करते हैं इग्निशन ऑन, ये हमारा क्लस्टर मीटर है, अब करते हैं इग्निशन ऑन। आप देख पा रहे हैं क्लस्टर मीटर में हमारी सभी लाइटें आ चुकी हैं। अब हम इस सेंसर को हाथ से घुमाएंगे, ये हमारा सेंसर है, इसे हम घुमाते हैं हाथ से। जब हम इसे इस तरीके से इसे हाथ से घुमाएंगे तो इस पोजीशन में हमारी क्लस्टर मीटर की सुई को उठना चाहिए। अब दिखाते हैं आपको क्लस्टर मीटर में, इसे हम स्पीड मीटर सेंसर के जो गरारी है उसे घुमाते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा मीटर उठना शुरू हो गया, इसे हम हाथ से घुमा रहे हैं और आप देखो ये 40 की स्पीड में लमसम पहुँच जाता है हाथ से घुमाने पर। ये हमारा जो बाईपास का काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा बाईपास काम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नहीं दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा ECU है इस गाड़ी का, EDC 1785 चार सिलेंडर का। ये हमारा मिनी फ्यूज बॉक्स है, इसके अंदर हमारा EGR वाल, IMB वाल, ब्रेक स्विच और ECU का फ्यूज रहता है। और ये हमारा ECU की रिले है, वहीं ये हमारा ECU का सॉकेट है, इस पर ECU लगा रहता है। ये फ्यूल पंप की रिले है और वहीं हमारा ये इमोबिलाइज़र है इस गाड़ी का। अब कोई काम नहीं बचा इस गाड़ी में इसका, इन सेंसरों का, इन्हें सबको हमने हटा दिया है। वहीं हमारी वायरिंग मेन काम रहता है, वायरिंग भी हमारी बाईपास हो चुकी है, बस अब हमारे लिए इसे तरीके से फिट करना है।